ऑप्शनल पेपर हमारा हो गया, स्टडीज के बारे में भी हो गया। हाँ, इससे कई बार क्या होता है, जैसे हम फेल्योर होते हैं तो हम लोग काफ़ी मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं तैयारी करनी तो बहुत रिलीजियसली इस तरीके से आपको इंटरेक्शन बंद हो जाना चाहिए, रिश्तेदार यार यहाँ वहाँ जाना नहीं चाहिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्किल भी होना चाहिए ताकि आप तो चीज़ों को डिस्कस कर पाएँ, और जब भी आप किसी इस फेल्योर या कुछ चीज़ को दे रहे हैं तो वो आपको मोटिवेट कर पाएँ। इसके लिए आप एक अच्छे फ्रेंड सर्कल को भी रखें, और अभी से जो आप एक काम कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, देखिए फाइनली जाके आपको पब्लिक सर्विस में जाना है और पब्लिक के बारे में काम करना है, तो पब्लिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप जा रहे हैं तो एक ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं कि आप अपने स्मार्टफोन्स में लगे रहते हैं, ऑल टाइम हम उसी में रहते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो देखने में होना चाहिए कि लोग किस तरीके के हैं, लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, लोगों के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर आपने कभी रेल से अपने ट्रेवल किया होगा, ट्रेन से अपने ट्रेवल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जैसे आप दिल्ली से न्यू दिल्ली या ओल्ड दिल्ली के आसपास पहुँचते हैं तो साइड में काफ़ी स्लम्स टाइप का लोग हो जाते हैं उधर, तो उनके एक बार ऑब्जर्व कीजिए आप कभी आते जाते हैं, वो कि कैसे वो जीते हैं एक छोटे से घर में, क्या क्या चीज़ें कैसे वो मैनेज करते हैं, और स्पेशली बारिश वगैरह के टाइम में आप जाएंगे तो वहाँ पर पानी भरा हुआ है, कैसे वो लोग रह रहे हैं। जब आप उस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके अंदर उनके लिए एक एम्पैथी वाली फीलिंग आएगी, आप समझ पाएंगे कि उनके लिए आपको कैसे पॉलिसी मेकिंग करना है। देखिए कभी भी अगर पॉलिसी मेकिंग एसी चैम्बर्स में बंद हो गए पॉलिसी मेकिंग होती है, तो कभी भी वो मास पब्लिक के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। इसलिए अगर आप सिविल सर्विसेज को जा रहे हैं तो अभी से चीज़ों को ऑब्जर्व करना, देखिए कि क्या क्या सोसाइटी में डिफरेंट स्टेटा के लोग हैं वो कैसे फेस करते हैं, उन चीज़ों को आप अभी से देखें, ठीक है। दूसरा कि एग्ज़ाम में मैंने बताया कि जो हमारा मैंने मेरिट वाला मैंने बताना भूल गई थी मैं बीच में आपको, कि मेंस के जो आपका होता है कि मेंस में जो रिटर्न एग्जाम होता है वो इंटरव्यू जो पर्सनलिटी टेस्ट होता है, उन दोनों को मार्क्स को मिला के बेसिकली मेरिट बनता है, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको अभी से करनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, जो भी चीज़ें आपके ऑब्जर्वेशन में आती है, मान लीजिए आज की जो हमारी इवेंट है, इस इवेंट को भी आपने ऑब्जर्व किया क्या क्या इसमें हुआ, आप इस इवेंट पे आप अपनी राइटिंग कर सकते हैं, एक दो पेज आप लिखें। इसी तरीके से डे टू डे लाइफ में जो भी होता है एक दो पेजेस आप लिखने की कोशिश कीजिए। आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि इसी इवेंट को, मान लीजिए एक घंटे की इवेंट थी, इस इवेंट को लिखने में आपने 5 पेजेस को फिल कर दिया है, क्योंकि आप अनऑर्गेनाइज तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा किन चीज़ों को हटाना है और किन चीज़ों को लिखना है। तो एक तरीके से सिस्टमेटिक वे से और ऑर्गेनाइज तरीके से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कीजिए जो भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे एक चैलेंज ये भी होता है एग्जाम के दौरान, क्या चैलेंज होता है कि 3 आवर्स में आपको एटलीस्ट 3000 to 4000 words लिखने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है अकेडमिक्स में मेनली जो होता है कि आपके पास 5-6 questions लिखने होते हैं जो 60 marks 50 marks इतने के होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि 10 marks का क्वेश्चन है, 15 marks का है, मीन्स 20 questions आपको 3 आवर्स में लिखना है, और 20 questions 20 topics होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, और टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं कि आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा होता है कहीं भी, मैंने बताया कि अप्लाइड चीज़ें होती हैं उनके इम्प्लीकेशन को आपको लिखना होता है, तो एकदम से आपको ऐसा नहीं होता कि आपने नोटबुक में जो लिखा हुआ है वही आपको जाके एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना और ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को समझना और ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को लिखना, ये सब आना चाहिए। तो अभी ड्यूरिंग प्रिपरेशन सॉरी ग्रेजुएशन आप इस चीज़ को भी फोकस कर सकते हैं, थोड़ा सा राइटिंग स्किल्स पे भी अपना वर्क कीजिए, ठीक है। और राइटिंग स्किल्स में ऑर्गेनाइज तरीके होने चाहिए और प्रेजेंटेशन भी आपको होना चाहिए। देखिए प्रेजेंटेशन का ज़माना है, आज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट खाना मुझे लगता है कि हर रेस्टोरेंट का लगभग कमोबेश एक जैसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे जो सर्विस आपको दे रही है, कितने डेकोरेटिव तरीके से आपको चीज़ें दी जा रही हैं, वही चीज़ें जो वो आपकी प्रेजेंटेशन को दिखाता है कि आपने प्रॉपर सैलेड वगैरह अलग से काट के रखा है, कुछ लोग सब चीज़ें होस्ट लेकर रहते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन का ज़माना है, तो कितना अच्छे तरीके से आप फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स और ये सब चीज़ बना सकते हैं, इस चीज़ पे भी फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये तो बात रही हमारी कि कैसे हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस आएंगे। और एक सवाल है आपसे कि आप थोड़ा अपना अनुभव भी शेयर करें बच्चों से, ये सब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जिस बैकग्राउंड से आई हैं और यहाँ तक आप गई हैं, तो 2-4 मिनट में ज़रा अपने अनुभव को शेयर करिए कि क्या आप कैसे आपका सफ़र रहा है, तो बच्चों के लिए वो भी ज़रा मोटिवेशनल होगा, ठीक है, क्योंकि हर तरह के बैकग्राउंड के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो मुझे लगता है बहुत इंकरेजिंग होगा इनके लिए। बेसिकली सर नो
ठीक है, एक्चुअली मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के एक गांव है नारनौल का, शायद आपने, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की है, वहाँ मेरा गांव है, गांव से मैं रहने वाली हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है, मैट्रिक तक की जो स्कूलिंग है, वो मेरे गांव के गवर्नमेंट स्कूल में हुई। उसके बाद में गांव के पास में एक कस्बा है नारनौल, तो कस्बा मीन्स सिटी नहीं है प्रॉपर, टाउन टाइप है, टाउन है उसमें, वहाँ पे मेरा कॉलेज था, वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री और पोल साइंस में की है। उसके बाद में मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। बेसिकली जो लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो सिविल सर्विसेज हैं उनका कितना चाम है लोगों में, स्पेशली गाँव में, और जो मिडिल क्लास है, जिसमें किसी ने बताया था ना कि मिडिल क्लास के लोग से ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा क्यों चाम है उनके पास? क्योंकि देखो, बिजनेस करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और एक प्रकार से फिनेंशियल बैकअप होना चाहिए आपके पास में, तो मिडिल क्लास के पास उतना फिनेंशियल बैकअप नहीं होता है, इसलिए उनका सर्विस की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेशन होता है। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी थी। और हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, जो IAS ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट में, उसको DC बोलते हैं। और तो बचपन में जब भी कोई बात होती थी तो मैं थोड़ी ज़्यादा टॉकेटिव थी, कोई भी बात मैं बोलती थी तो मेरे घर में कहते थे कि तुम चुप रहो, अभी बच्ची हो, कोई DC लग रही जो हर बात पर बोलती, मतलब इस तरीके का चार्म होता था DC का। तो बचपन में थोड़ा रहता था कि इधर DC क्या होता है, उस चीज़ को लेके थोड़ा रहा कि ये DC बनने पे लोग बात सुनते हैं, वैसे तो सुनते नहीं घर में किसी की बात, तो ये सब चीज़ें रहती थी। तो मुझे बचपन में तो उसी से ऐसे चाम आए कि मुझे DC बनना पड़ेगा, तो मैं यही कहती थी कि जब मैं DC बन जाऊँगी तब आप लोग मेरी बात सुनेंगे। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। बेसिकली मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई भी नहीं था जो मतलब इस लेवल की पोजीशन पे रहे सिविल सर्विसेज में, या बहुत अच्छे हो जाए, मतलब नॉर्मल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर फार्मर हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि ये मतलब होता क्या है, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो पढ़ाई करके, उनको भी जितनी नॉलेज थी उस बेसिस पर उन्होंने मुझे बताया। देन जब कॉलेज स्कूल लेवल में थे तो हमारे पास स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, जो हमारे DC थे वो आए थे, खुला दरबार करके कॉन्सर्ट थी, जिसमें पब्लिक की वही जो प्रॉब्लम्स होती वही पे सुन के उनका एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वही पे उसको सोल्व किया जाता है। तो वो मैंने चीज़ें देखी, तो थोड़ा सा उस टाइम तक थोड़ी सी समझ आ गई थी, मतलब 9th-10th क्लास में, तो थोड़ा सा समझ में आया था कि कितने अच्छे से काम हो रहा है, यहाँ लोग इतना परेशान होते रहते हैं कि काम को, और यहाँ आपके गाँव में आके समस्याओं को समाधान किया जा रहा है। देन जब कॉलेज में आए तो इस तरीके के जो अभी यूथ फेस्टिवल होता है या कोई भी इवेंट होती थी, तो मोस्टली जो वहाँ के IPS ऑफिसर होते हैं, IAS ऑफिसर होते थे, उनको इन्वाइट किया जाता था। तो जब उन लोगों को सुनते थे, उनके व्यूज़ को जानते थे, तो अच्छा लगता था। तो उस चीज़ को लेके जो पहले चांग था ना, वो उसको लेके एक मोटिवेशन भी आया साथ में कि हम बन सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं पब्लिक के लिए। तो वही कि मैंने जब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन मैंने अपने टाउन से ही किया, उसके बाद में मैंने कहा कि पापा मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो आप मुझे मतलब कहीं मुझे बताइए मैं कैसे तैयारी करूँ। तो पापा को भी इतनी जानकारी नहीं थी, उन्होंने भी पूछा इधर से अपने फ्रेंड्स वगैरह से कि कैसे कर सकते हैं, तो उनको पता चला कि बेसिकली डेली में जाके आप प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो पापा के लिए थोड़ा सा ये था कि अब उनको भी सपना था कि जब कि मैं पढ़ने में ठीक थी, मतलब थोड़ा अपनी क्लास में टॉपर रहती थी, तो उनको था कि हाँ मैं कर ले जाऊँगी, तो पढ़ने में थोड़ा था, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद उनको लग रहा था कि अभी मैं इतनी मेच्योर नहीं हुई हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में मैं रह सकूँ, क्योंकि मैं गाँव में रही हूँ, गाँव में मेरा रेजिडेंस है, और एक जो कस्बा है पास में वहाँ पढ़ने जाते थे मैं, तो उनको एक्सपोजर को लेकर दिक्कत थी कि पता नहीं दिल्ली में जाएगी कैसे रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो ग्रेजुएशन के बाद में, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है UPSC के लिए, देन मैंने कहा कि भेज दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं, आप एक काम कीजिए कि PG कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद में आप जाइए। तो मैंने कहा ठीक है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती हूँ। तो मैंने, मेरे पास हिस्ट्री और पोल साइंस था, अब मैंने कहा कि दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ मैं ग्रेजुएशन करती हूँ, ताकि मुझे फिर बाद में जब सिविल सर्विसेज में जाना होगा तो मैं एज एन ऑप्शनल पेपर उसमें से एक को चूज कर लूँगी। देन अगेन वही बात आई, क्योंकि उसके लिए जो मेरा टाउन था वहाँ पे ना हिस्ट्री से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होती थी और ना पोल साइंस से होती थी, उसके लिए भी आपको दूर जाना पड़ता है। तो आप जयपुर जाते, दिल्ली आते, या जो MDU मैसिदानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है उसके जो कैंपस है वहाँ पे आपको जाना होता है। ठीक है, अगेन घर वालों की वही थी कि घर से बाहर नहीं भेजना चाहते थे, उस टाइम उनको नहीं लगता था कि मैं इतनी मेच्योर हूँ कि मैं जा पाऊँगी, और थोड़ा सा उस बैकग्राउंड से था, रूरल बैकग्राउंड के लोग थोड़े से हेजिटेट भी करते हैं बाहर भेजने के लिए। देन तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से PG का ऑप्शन था वहाँ पे, तो इंग्लिश लिटरेचर से कर लीजिए। तो मैंने कहा पापा इससे फ़ायदा क्या होगा इंग्लिश लिटरेचर से मैं करने का, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी जो स्टडीज है वो हिंदी मीडियम में हुई है सारी अभी तक की, ग्रेजुएशन तक की, तो इंग्लिश को क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उस एरिया में एक भी था कि इंग्लिश लिटरेचर से अगर आपने PG किया है तो बहुत आप इंटेलिजेंट हैं, मतलब एक परसेप्शन भी है लोगों की कि बहुत बड़ी चीज़ है इंग्लिश लिटरेचर से।
देन अगेन उन्होंने वही किया कि इंग्लिश लिटरेचर पीजी करो, क्योंकि पापा चाहते थे कि एक जॉब मेरे पास सिक्योर रहे, अगर और कुछ नहीं तो मतलब अगर मैं सिविल सर्विसेज में नहीं कर पाऊंगी तो अपना टीचिंग का जॉब मैं ले सकती हूँ, तो इंग्लिश का एक थोड़ा सा स्कोप रहता है मेरे लिए, तो उसको लेके उन्होंने मुझे पीजी करने के लिए बोला। अब 2 साल मैंने पीजी किया वहाँ से, उसके बाद में फिर मैंने कहा कि अब तो मुझे भेज दीजिए सिविल सर्विसेज की तैयारी के बाद भी, फिर उन्होंने थोड़ा सोचा बट फाइनली उन्होंने मुझे दिल्ली भेज दिया। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे दिल्ली आने के बाद में हुआ, शायद आप लोग पता नहीं, अगर कोई बाहर से है यहाँ पे तो वो लोग समझ पाएंगे कि दिल्ली में आके बिल्कुल मैं गांव से उठ के दिल्ली में आई थी, तो सबसे पहले तो सर्वाइवल वाली दिक्कत थी कि बिल्कुल मन नहीं लगता था, एक गांव में खुला माहौल होता है, एक छोटे से कमरे में बंद, और एक इतनी डाइवर्सिटी है, जब आप कोचिंग फील्ड में जाएंगे तो आपको देखेंगे ऑल इंडिया आपको मिलेगा, एक मिनी इंडिया आपको देखने को मिलेगा, एक क्लासरूम में मिनी इंडिया होता है, हर तरीके के लोग होते हैं, तो आप हेजिटेशन होती थी, मतलब काफ़ी टफ टाइम रहा मेरे लिए पहली बार लाइफ में, 1.5 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ। उसके बाद में मैंने फर्स्ट टाइम दिया 2013 में, तो फर्स्ट टाइम दिया मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेंस भी हो गया और इंटरव्यू कॉल हुआ, तो मैंने इंटरव्यू भी दिया, तो फर्स्ट टाइम भी मुझे तीनों स्टेज पे मैं पहुंच गई थी, तो मैं काफ़ी होपफुल थी कि मेरा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस टाइम नहीं हुआ, थोड़ा शॉकिंग लगा, क्योंकि आप जब मिलने लग जाते हैं ना तो फिर आप सपने लेने लग जाते हो कि हाँ इंटरव्यू दे दिया अब तो हो ही जाएगा, तो रोज़ सपने आते थे मुझे रात में कि हाँ मैं DC बनी गई हूँ, ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तो थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन होता क्या ना कि जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आता है फाइनल, उसके बाद में वो जब नेक्स्ट ईयर का जो प्रीलिम्स होता है उसमें गैप बहुत कम होता है, हार्डली 1 मंथ गैप होता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं होता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना होता है, तो मैंने वही अगेन उसके लिए प्रिपेयर किया, 2014 वाला अटैम्प मैंने फिर से दिया और फिर सेम सिचुएशन, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू कॉल हुआ, और सेकेंड अटैम्प में मैंने वो चीज़ें करने की कोशिश नहीं की जो मैंने पहले भी की, जो गलतियाँ की उनको ओवरकम करने की कोशिश किया, लेकिन अगेन रिजल्ट नील बटे सन्नाटा, ठीक है, तो वही था कि उस टाइम भी मेरा नहीं हुआ, तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी पेनफुल थी, और मतलब एक प्रकार से जिसको बोलते थे कि हम काफ़ी मतलब अपने एबिलिटीज पे आपको डाउट होने लग जाता है, और मुझे लग रहा था कि दोनों टाइम में मैंने इंटरव्यू तो गई हूँ मैं, वो फाइनल लिस्ट में नाम दिया था, तो इस बार की क्या गारंटी कि अगली बार भी आ जाएगा, ठीक है, और एक जब आप फर्स्ट टाइम में जो है ना स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी एस्पिरेशन, मैंने वही बताया ना कि DC के सपने तो आपको आने लग ही जाते हैं उस टाइम, तो वही चीज़ था, तो काफ़ी दिक्कत रही मेरे साथ में, थोड़ा सा मैं उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाई अपनी स्टडीज़ को, मुझे समझ में थोड़ा सा काफ़ी टाइम में मेरी शॉकिंग थी वो, क्योंकि सेकेंड अटैम्प में मैं ज़्यादा होपफुल थी कि जो मैंने पहले में की गलतियाँ वो नहीं की, लेकिन अल्टीमेटली नहीं हुआ, और उससे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब 15 का जब प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना गैप बहुत कम होता है, अगर आपने उस गैप में अपने आप को मैनेज नहीं किया तो आपके लिए वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है, तो विद इन 1 मंथ मतलब 2 मंथ्स लगा लीजिए, 2 मंथ्स में 2 फेलियर, इधर से आपका इंटरव्यू वाला कॉल से वो नहीं हुआ और इधर से आपका प्रीलिम्स फेल हो गया। अब मेरे पास सोचने का मौका था, अब मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, अपने स्टडीज़ को छोड़ दूँ, अपने मतलब टीचिंग वाले फील्ड में जाऊँ या क्या करूँ, बट थैंकफुल मेरी फैमिली के लिए कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पापा फार्मर हैं लेकिन उनका हर तरीके से सपोर्ट रहा, चाहे तो वो फिनेंशियली रहे या फिर आप कह सकते हैं मेंटल सपोर्ट भी, लड़कियों के लिए आप समझ रहे होंगे, बेसिकली मैं हरियाणा से आती हूँ तो आप थोड़ा सा सोसाइटी के हिसाब से भी समझ पा रहे होंगे कि फैमिली पे थोड़ा पैसे भी था कि शादी कर दो, रिलेटिव्स हर तरीके से कितने टाइम दोगे, तब तक मुझे 3-4 साल हो चुके थे जब 2 अटैम्प किए, तो मुझे तैयारी की पहले आकर फिर एक पूरा साल भर का प्रोसेस होता है, तो सब लोगों की तरफ से इस तरीके की बातें आ रही थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप तैयारी कीजिए, कोई नहीं, बस थोड़ी सी कहीं कमी रह रही है, जब आपका वो कमी कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी तो आप क्वालिफाई करेंगे, बस हिम्मत नहीं हारना है बेसिकली, तो उस चीज़ में मुझे पैसे सिखाया, फिर मैंने सोचा कि अब क्या होता है जब आप तैयारी करते हैं, आपने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, तो जो पूरा वन ईयर का जो साइकिल होता है उसमें आपका वैल्यू एडिशन का टाइम कम होता है आपके पास में, आप कुछ सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते, क्योंकि पहले आप फिल्म्स के मोड में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के साथ चीज़ों को देखते हैं, फिर आप मेंस के मोड में आ जाते हैं, वो सब सिलेबस कवर करने होते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये अच्छा है, हर बार फिल्म्स इंटरव्यू देने से अच्छा है, इस बार मैं फिल्म्स में फेल हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से प्लान करूँगी मैं चीज़ों को, देन मैंने वही किया कि मुझे लगा कि सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है मेंस में उतने ऑर्गेनाइज आंसर नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे राइटिंग स्किल्स पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, नॉलेज तो सोर्सेज को पढ़ के और वो सब आ जाती है आपको, बेसिकली उस नॉलेज को जो एक्वायर किया उसको कैसे प्रेजेंट करना है उस पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत थी, तो मैंने उसी पे किया, साल भर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया और थोड़ा सा फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए भी मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया जहाँ पे मैं
कॉपी चेकिंग का काम करती थी, बेसिकली आंसर राइटिंग चेक करती थी, तो और लोगों का भी देखती थी, अपना भी देखती थी, तो काफ़ी वैल्यूएडेशन मुझे हुआ उससे। और फिर मैंने 16 का अटैम्प्ट दिया, 16 के अटैम्प्ट में फिर मेरा IPS हुआ। थोड़े कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने काम किया था राइटिंग स्किल्स में वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा और 16 के अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो मेरे लिए जर्नी बताने का मतलब ये था कि आप लोग भी इस चीज़ से मोटिवेशन लें कि मेरे जो बैकग्राउंड की बात करें तो मैं बहुत मतलब एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड की भी बात देखें तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी किसी यूनिवर्सिटी से या वहाँ से मैंने किया है, ह्यूमैनिटीज से किया है, हिंदी मीडियम से किया है। तो जो लोग इस बैकग्राउंड से आते हैं, इस मीडियम लैंग्वेज मीडियम को चूज करते हैं, उन लोगों के लिए अगर ऐसा लगे कि वो कहीं भी अपने आप को कि पता नहीं हम लोग इन लोगों के साथ कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बस आप में जज्बा होना चाहिए, आप में मेहनत करने आनी चाहिए और आप सिंगल टारगेटेड होने चाहिए। आपका गोल है ना वो फिक्स होना चाहिए कि नहीं मुझे जाना है। अपने पेशेंस को बना के रखें, अपने मोटिवेशन को बना के रखें, तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो मैंने किया है। क्योंकि कोई भी चीज़ आपके लिए चैलेंज नहीं हो सकती है जब आप डिटरमिंड हैं और आप हार्ड वर्किंग हैं। अब आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं आप बोलिए, हम लोग उसको ओपनली डील करेंगे। इसको पढ़ने से अच्छा है कि जिन चीज़ों ने लिख के दिया है वो अपने हैं, लेकिन जब एक टाइम के बाद में पढ़ लेते हैं और आपको समझ में आ जाता है इश्यूज के बारे में कि कैसे इश्यूज को देखना है, देन आप उसको 1.5 आवर्स में कर सकते हैं। चीफ गेस्ट टुडे मैडम पंकज यादव IPS एंड माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल हर्ड विद रैप्ड अटेंशन a truly motivational account of a young IPS officer who through her determination and hard work achieved what every young Indian aspire to reach. In her case, she reached the summit fighting against all odds. She comes from a very humble background, a remote village in Haryana where girl education is still not a priority. Many amongst us nursed the same dream to become a proud member of the coveted Indian Civil Service, but at the same time not able to muster the motivation and courage to pursue it. So the success of people like Madam Yadav will definitely ingrain the drive and motivation in many out here. I, on behalf of the Zakir Husain College fraternity, thank Mrs. Yadav Madam, IPS officer, for coming here and spending a valuable time. And also I thank Rahman sir to give me an opportunity to propose a vote of thanks in such a prestigious occasion. And also I thank the technical staffs without whom this would not been a possible and successful. Thank you all.